हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। 2018 का एग्जाम और 2019 में जितना भी एग्जाम हुआ था, एसएससी का, बैंकिंग का और रेलवे का, यानी जितना भी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल एग्जाम हुआ है, उसमें आपका जनरल साइंस का जितना भी क्वेश्चन आया था, वो सारा क्वेश्चन आपको कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। और क्लास का टाइमिंग आप लोग याद करके रखिएगा, दोपहर 2 बजे। हर सेट में कितना क्वेश्चन होगा? 40 क्वेश्चन। और ये सारा 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और टेलीग्राम में भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेलीग्राम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हीमोग्लोबिन में प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन क्या दिया है? एल्बुमिन, ग्लोबिन, ग्लोबुलिन और हीम। क्या दिया है? हीम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ग्लोबिन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा? ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा रहता है पदार्थ? ग्लोबिन रहता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्लोबिन ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है? आईएनएस सिंधु घोष, आईएनएस आर्यंत, आईएनएस कलवरी और क्या दिया है? आईएनएस सल्की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? आईएनएस आर्यंत, ऑप्शन बी। आईएनएस आर्यंत क्या है आपका? भारत की सबसे पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, ऑप्शन बी। INS आर्यन, ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमक बीमारी नहीं है? ऑप्शन क्या दिया गया आपका? टाइफाइड, खसरा, गठिया या इन्फ्लुएंजा। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है और इसमें से क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा संक्रमक बीमारी नहीं है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गठिया। ऑप्शन क्या होगा? सी। गठिया क्या होता है? संक्रमक बीमारी आपका नहीं होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलता है? आर्थरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का लेंस मानव आंख में मौजूद एक प्राकृतिक लेंस है? तो ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मानव नेत्र में सबसे नेचुरल यानी प्राकृतिक लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस। ऑप्शन क्या दिया गया आपका? पूछा गया है प्रोग्रेसिव, कॉन्केव, बाइफोकल या कॉन्वेक्स। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कॉन्वेक्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा के किस चरण में चंद्रमा अदृश्य रहता है, मतलब कि इनविजिबल? चंद्रमा के कौन से भाग को इनविजिबल कहा जाता है, ठीक है? पहला क्या दिया? वर्धमान चांद। दूसरा है पूर्णिमा। तीसरा क्या दिया है? गिब्स मून। और चौथा क्या दिया है? अमावस्या। तो अमावस्या के दिन क्या होता है? कुछ भाग अदृश्य रहता है, ऑप्शन डी अमावस्या। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? न्यू मून, न्यू मून। ये सभी क्वेश्चन आपका बहुत इजी है और सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2018 में इसका एसएससी का एग्जाम और रेलवे का एग्जाम हुआ था। सारा जितना भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। क्लास का टाइमिंग कितना बजे आपका? क्लास टाइमिंग दोपहर 2 बजे। ये आपका क्लास का टाइमिंग है जनरल साइंस के लिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? और हाँ गाइस, पेन और पेपर लेकर बैठ जाए, ये हर क्लास में मैं कहता हूं, ताकि अपने आप को आप जज कर पाए कि कितना सही कर पा रहे हो, कितना गलत कर पा रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन आपका क्या होगा? एक्यूरेसी चेंज जरूर होगा, ठीक है। पहला दिन आप, जरूरी नहीं है कितना क्वेश्चन कराया जाए वहां पे, आप अगर मान लिया जाए 40 क्वेश्चन कराया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि 40 में 40 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो दिन प्रतिदिन आपका एक्यूरेसी चेंज होता रहेगा, तो डेली आपको ये क्लास देखना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? यहाँ पे क्या पूछा गया है? रासायनिक परिवर्तन। एक क्रश कर सकते हैं, यानी क्रस्टिंग ऑफ ए कैन, रस्टिंग ऑफ आयरन, इवापोरेशन ऑफ अल्कोहल या मेल्टिंग ऑफ आइस।
बर्फ का पिघलना, शराब का वाष्पीकरण, लोहे का जंग लगना या एक कॉइन को क्रश करना, इनमें से क्या आपका एक रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकता है, रासायनिक परिवर्तन? तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना क्या होता है? रासायनिक प्रतिक्रिया होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, ये क्या आपका एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन बी। अपवर्तन के नियम के अनुसार घटना के एक बिंदु पर दो पारदर्शी मीडिया के इंटरफेस रे, अपवर्तित रे और सामान्य के बारे में क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल लेंथी क्वेश्चन दिया गया है लेकिन बहुत इजी है। क्या कहा जा रहा है? जैसे मान लिया जाए क्या एक इंटरफेस है, यहाँ पे आपका अभिलंब होता है, ये क्या होता है आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो ये जो तीनों है अभिलंब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब हो गया, आपतित किरण हो गया और ये क्या है? परावर्तित किरण है। तो ये सभी कहां पर लाइज करता है? एक ही बिंदु पर लाइज करता है, यानी एक ही सतह पर लाइज करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। तो हम लोगों को ऑप्शन देखना होगा क्या दिया है। ऑल हैव द सेम, पहला ऑप्शन क्या दिया है? ऑल हैव द सेम लेंथ, ऑल हैव द सेम एंगल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? ऑप्शन सी, ये सभी क्या करता है? एक ही प्लेन पर लाइज करता है, ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन, ठीक है? और वो कौन सा प्लेन है? इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सौर ऊर्जा कहां से प्राप्त की जाती है? तो सौर ऊर्जा कहां से प्राप्त की जाती है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन देखना जरूरी नहीं है, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा? सूर्य, सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऑप्शन क्या दिया गया आपका? ऑप्शन बी दिया गया है, सूर्य, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर धातु अल्मुनियम, कैल्शियम, आयरन या सोडियम, ये चार ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है पृथ्वी की पपड़ी में। तो एल्मुनियम आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्मुनियम। ये सभी क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, और ध्यान इस बात पर रखना है कि धातु पूछा गया है या अधातु पूछा गया है, ठीक है? ये सब भी बहुत जरूरी होता है, धातु पूछा गया है या अधातु पूछा गया है। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? कौन से शहर में एलिफेंटा गुफाएं स्थित है? बेंगलोर, कोणार्क या मुंबई, और लास्ट क्या दिया है? जयपुर। तो एलिफेंटा गुफा कहां पर स्थित है? मुंबई में, ठीक है? ऑप्शन सी, मुंबई, मुंबई में ये स्थित है एलिफेंटा गुफा। अगर आपका स्टेट का नाम दिया है तो आप महाराष्ट्र मार सकते हैं, ठीक है? ठीक है, आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ अफलाटिक शब्द जुड़ा हुआ है? अफलाटिक शब्द निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? हियर, सी, फील या स्मेल। सुनने की क्षमता, देखने या महसूस करने की या गंध करने की, स्मेल। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, स्मेल। अफलाटिक शब्द किससे जुड़ा है? स्मेल से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन डी, स्मेल, गंध से जुड़ा हुआ है अफलाटिक शब्द, ठीक है? ये सभी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पुतली का एक हिस्सा, द पुपिल इज अ पार्ट ऑफ, पुपिल कौन से पार्ट है, किस चीज का पार्ट है? बोन मैरो, आइज, गॉल ब्लैडर या किडनी, किसका? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आइज। पुपिल किसका भाग है? आइज का है। और इसका काम क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताएं। ये सभी आपका क्वेश्चन करा दिया गया है बहुत पहले। गुर्दे और पित्ताशय में पथरी का पता लगाने के लिए, बहुत लेंथी क्वेश्चन दिया गया है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है?
बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि पत्थर का जो पहचान होता है उसको पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। गुर्दे और पित्ताशय में पथरी का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कौन से रे का। तो क्या दिया है, इकोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और तीसरा क्या दिया है, अल्ट्रासोनोग्राफी, और लास्ट क्या है, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है, इसके द्वारा पित्ताशय में, गुर्दे और पित्ताशय में पत्थर का पता लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी अल्ट्रासोनोग्राफी। इसके द्वारा पत्थरों का पता लगाया जाता है। शरीर में पत्थर है या नहीं है, अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 14। पैथोलॉजी लैब में इस्तेमाल होने वाली टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए कौन से रे का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन से प्रकाश किरणें का उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव रेडिएशन, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेस या इंफ्रारेड। तो यूवी रे का नाम आप लोग सुने होंगे, उसी को अल्ट्रावायलेट रेस कहा जाता है, रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया को मारने के लिए, ऑप्शन सी। द ड्राइंग ऑफ मिल्क ऑफ लाइन इज ड्यू टू, यहां पे ये पूछा गया है कि जो चूना का सफेद भाग होता है, दूध के तरह जो दिखता है, वो सूख जाता है। सूखने का सबसे मेन रीजन क्या है, तो वो आपको ऑप्शन देखना है। ऑक्सीजन इन एयर, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा के कारण, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण, हवा में नाइट्रोजन होने के कारण, या हवा में हाइड्रोजन होने के कारण। तो हवा में आपका CO2 होने के कारण क्या होता है, वो सूख जाता है, CO2 इन एयर। ठीक है, हवा में CO2 होने के कारण, हवा में CO2 की उपस्थिति, इसके कारण क्या होता है, लाइम ऑफ, हम लोग क्या कहते हैं उसको, लाइम वाटर। ठीक है, द ड्राइंग ऑफ मिल ऑफ लाइम क्या होता है, सूख जाता है, ड्राइंग ऑफ मिल्क ऑफ लाइम। ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन बी। C20 ये इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था, तो यहां पे आपको बताना है C20 क्या है। हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन, एयरक्राफ्ट कैरियर, मेन बैटल टैंक, और मल्टीरोल, क्या दिया है, मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन। ऑप्शन ए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन। ये क्या इसरो के द्वारा खोजा गया था, ठीक है, हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन, ये किसके द्वारा खोजा गया था, इसरो के द्वारा बनाया गया था, डेवलप किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था, वेयर वाज द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंस्टिट्यूट, 1974, 1970, और क्या दिया गया है, 1986, 1981। तो 1974 में इसका गठन किया गया था, ठीक है, ऑप्शन ए 1974। ये सब भी आपका क्या है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। केवल बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है, ठीक है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये सब बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसरो आपका क्या है, साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका इसरो से जितना भी क्वेश्चन बनता है वो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग इससे भी करके जा सकते हैं, इसरो का जितना टॉपिक है। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है, सलजम, मूली, गोभी या चकुंदर, क्या होगा। गोभी, जिसे कैबेज कहा जाता है, वो एक जड़ नहीं है, ऑप्शन सी गोभी। ये क्या है आपका, एक तरह का जड़ नहीं है,
भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है? लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट है तमिलनाडु। और ये कहां पर है? साउथ इंडिया में। ठीक है, जब परमाणु रासायनिक रूप से एक साथ बंधते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है? मॉलिक्यूल्स यानी अणु, एलिमेंट जिसे हम तत्व कहते हैं, बोथ एलिमेंट एंड एलॉयस, और लास्ट क्या दिया है? एलॉयस। तो जब परमाणु आपस में मिलते हैं रासायनिक बंधन से तो किस चीज का निर्माण होता है? ऑप्शन ए, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जिसे हम लोग अणु कहते हैं, अणु का निर्माण होता है। दबाव की एसआई इकाई क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ था आरएमडी जेई में, दबाव यानी प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये तो सभी को मालूम है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसी को पास्कल कहा जाता है, पास्कल। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका अगर यदि पास्कल दिया है तो हम लोग उसको टिक आउट करेंगे, नहीं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को टिक आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। न्यूटन पर मीटर पहला दिया है, दूसरा दिया है न्यूटन पर न्यूटन मीटर, तीसरा क्या दिया है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और लास्ट है न्यूटन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और दोनों क्या है? एसआई में है। सीजीएस में क्या हो जाएगा? सीजीएस में यदि लेंगे तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है, जितना जरूरी ये है ये भी उतना ही जरूरी है। ये एसआई सिस्टम है और ये सीजीएस सिस्टम है, तो दोनों को आप लोग याद करके रखें। कौन सा पोषक तत्व टूटने पर अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स या फाइबर्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी, वसा, जिसको हम लोग फैट बोलते हैं। ठीक है, ये टूटने पर सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, ऑप्शन बी फैट्स। कुछ मशीनों में तिल की चिकनाई के रूप में, यहां पे क्वेश्चन को हम लोग सही से देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कुछ मशीनों में चिकनाई के रूप में तिल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसका रीजन क्या है? बहुत सारे मशीनों में हर समय ऑयल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि बहुत ऐसा पार्ट होता है जहां से ऑयल क्या होता है? लीक हो सकता है, लीकेज होने का चांस रहता है। ठीक है, इसके कारण इसका उपयोग हमेशा नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, समटाइम्स ऑयल लीक्स इनटू द पार्ट्स ऑफ मशीन। ठीक है, कभी कभी तेल मशीन के कुछ हिस्सों में लीक हो जाता है जिससे काम करने में बाधा उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी, इसको आप लोग देख सकते हैं। रसोई गैस यानी एलपीजी में मुख्य रूप से शामिल है प्रोपेन, इथेन, इथाइन और लास्ट क्या दिया है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो रसोई गैस में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला क्या है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ऑप्शन डी, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। और इसी के साथ आप लोग ये कमेंट करके बताएं कि प्रोपेन और ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आईपीएससी नियम में आपको बताया गया है। आईपीएससी नियम प्रोपेन और ब्यूटेन, तो प्रोपेन को हम लोग क्या लिखते हैं आप लोग कमेंट करके बताएं, C3H8, और ब्यूटेन को क्या लिखा जाता है? C4H, कितना होगा फॉर्मूला क्या था? CH2N+2, तो C4H10 हो जाएगा। ठीक है, छात्रों के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है जिसे हाल में ही इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था जो छात्रों के लिए
उपयोगशील था। तो ऑप्शन क्या दिया है, अनुसंधान के बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के लिए, कंप्यूटर के बुनियादी प्रदान ज्ञान करने के लिए। यहां पे आपको यह पूछा गया है कि किसके बारे में था, तो कंप्यूटर के लिए था या जीव विज्ञान के लिए था या स्पेस नॉलेज के लिए था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, टू इंपार्ट बेसिक नॉलेज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी स्पेस टेक्नोलॉजी। इसका बेसिक नॉलेज, ठीक है, बेसिक नॉलेज का मतलब क्या होता है, सामान्य ज्ञान, बहुत बेसिक नॉलेज प्रदान करने के लिए छात्रों को इसरो ने लॉन्च किया था यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फ्रॉम, ये सभी क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन किससे बना होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, हम लोग कैसे लिखते हैं CO और CO3, ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार क्या होता है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे दिया रहेगा तो आपको टिक आउट करना है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं दिया रहेगा तो। निम्नलिखित में से कौन एक खगोलीय वस्तु नहीं है, यहाँ पे ये पूछा गया है कि खगोलीय वस्तु इनमें से कौन सा नहीं है, सूर्य, सितारे, ग्रह और महासागर। तो ऑप्शन देकर आप पता अनुमान लगा सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, महासागर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी महासागर। महासागर क्या है, एक तरह का खगोलीय वस्तु नहीं है, ठीक है, बाकी सब आपका क्या है, खगोलीय वस्तु है। शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है, सार्टोरियस, सोलेस, ट्रैपेजियम और ग्रेसिलस, क्या होगा, सार्टोरियस आपका क्या है, शरीर की सबसे लंबी पेशी को यह माना जाता है, ऑप्शन ए सार्टोरियस, ये शरीर का सबसे लंबी पेशी, सबसे लंबा पेशी माना जाता है, ऑप्शन ए। सल्क के टीकों की मदद से किस बीमारी को रोका जाता है, पोलियो, चेचक, खसरा या चिकन पॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाइएगा। क्या होगा, पोलियो, पोलियो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए पोलियो। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन है, क्या होगा, लीवर, लीवर इसका करेक्ट आंसर होगा, लीवर। ये सब क्वेश्चन इतना बार करा दिया गया है कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है, तो बहुत बार ये सब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कॉक्सी बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है, स्पाइरल होता है या गोलाकार होता है या अल्प विराम के आकार के जैसा होता है और रॉड के आकार के जैसा होता है। कॉक्सी बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है, स्फेरिकल, ऑप्शन बी कॉक्सी बैक्टीरिया, कॉक्सी बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल, ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, बी। रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लिम्फ, पानी, सीरम या प्लाज्मा, तो उसको क्या कहा जाता है, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, ऑप्शन डी प्लाज्मा। प्लाज्मा किन से बना होता है, जल, लवण और क्या होता है, प्रोटीन, इन सभी से मिलकर आपका प्लाज्मा बना होता है। रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। मुक्त गिरावट के दौरान किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला त्वरण स्वतंत्र है, द एक्सलेशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए फ्री फॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स, ये पूछा गया है, इनमें से कौन सा राशि स्वतंत्र होता है, एनर्जी, वेलोसिटी, मास या प्रेशर, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, मास,
मास क्या होता है आपका, स्वतंत्र होता है, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये मास कभी चेंज नहीं होता है। W बराबर क्या होता है, mg, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मास क्या होता है, कभी चेंज नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है। वेट क्या होता है, जी के हिसाब से चेंज होता है, जैसा जी होगा वैसा वेट होगा, लेकिन मास कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ये निर्भर नहीं होता है। इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, निर्भर नहीं रहता है, इंडिपेंडेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का परिवार पोटेशियम से संबंधित है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का बहुत तरीका से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पूछा गया है कौन सा परिवार पोटेशियम से संबंधित करता है, तो पोटेशियम का सूत्र क्या होता है, के, और ये पीरियोडिक टेबल में कहां पाया जाता है, फर्स्ट ग्रुप में, ग्रुप नंबर वन। और ग्रुप नंबर वन को बताया गया था पीरियोडिक टेबल का थ्योरी क्लास में, क्या कहा जाता है, अल्काली मेटल, क्या बोला जाता है, अल्काली मेटल्स, ठीक है। इसका ट्रिक क्या था, हेलिना को रब से फरियाद, ये सभी क्या है, अल्काली मेटल्स है, हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अल्काली मेटल्स, क्षारीय धातु। सोडियम धातु में संग्रहित किया जाता है, सोडियम धातु किन में संग्रहित किया जाता है, यह आपको बताया गया है कि सोडियम धातु को नेचुरली पानी में नहीं रख सकते, क्योंकि वो ज्यादा क्या होता है, हाईली रिएक्टिव, जिसे हम लोग बोलते हैं हाईली रिएक्टिव, सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, जिसे हम लोग नॉर्मली पानी में नहीं रख सकते, तो किसमें रखा जाता है, किरोसिन के तेल में, या फिर मिट्टी के तेल में, ऑप्शन सी, किरोसिन यानी मिट्टी का तेल। ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। जब एक अपघटन प्रतिक्रिया को गर्म कर किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन को गर्म किया जाता है, हीटिंग किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, थर्मल डीकम्पोजिशन, ऑप्शन सी, थर्मल अपघटन कहा जाता है, थर्मल डीकम्पोजिशन। अब थर्मल का मतलब क्या होता है, सभी को मालूम है क्या होता है, गर्म होना, थर्मल में यहां पर क्या है, गर्म शब्द छुपा हुआ है, हीट शब्द छुपा हुआ है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, थर्मल अपघटन। मानव शरीर में कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने के लिए मददगार होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हार्ट, लीवर, ईयर या ब्रेन, तो कान, ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मानव शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए, कान, ऑप्शन क्या दिया है, सी, ठीक है। बैलेंस्ड क्या करता है, ये बैलेंस्ड ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को बैलेंस बनाने के लिए कान का सही होना बहुत जरूरी है, ठीक है, सेफ होना, सेफ होना बहुत जरूरी है, इसमें अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा, पूरा बॉडी अनबैलेंस्ड हो जाएगा। के सेल ऊर्जा स्तर है, के सेल कौन सा ऊर्जा स्थल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, ऑप्शन दिया गया है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। तो पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है ये वाला, आप लोग बता सकते हैं, के सेल किसे कहा जाता है, फर्स्ट कक्ष को, ये आपका क्या है, एटम है, ये बताया गया था, तो पहला कक्ष को क्या बोलते हैं, के, उसके बाद ये तो मान लिया जाए न्यूक्लियस है, दूसरा कक्ष को एल, तीसरा को एम, तो पहला कक्ष को क्या कहा जाता है, के सेल, ऑप्शन क्या दिया गया है, ये पूछा गया कि के सेल किस कक्ष को कहा जाता है, तो फर्स्ट कक्ष को कहा जाता है, पहला कक्ष को, पहला कक्ष को के सेल कहा जाता है, के सेल, ऑप्शन सी, फर्स्ट सेल। एक चार्ज को ले जाने वाले तीन से अधिक परमाणुओं के समूह को क्या कहा जाता है, तो सभी को मालूम है एक परमाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, ठीक है, लेकिन बहुत घुमा दिया गया है। एक एटम को क्या बोलाता है, मोनो एटॉमिक, दो एटम को डायटॉमिक, तीन एटम को ट्राई एटॉमिक, और तीन से ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, पॉली एटॉमिक,
ये क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही देखना था कि एटम कितना है, तो क्या बोला है, तीन से ज्यादा बोल दिया है, तीन से ज्यादा। तो तीन से ज्यादा का मतलब क्या होता है, ट्राई एटॉमिक को क्रॉस कर दिया है, मतलब पॉली एटॉमिक। इसमें चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मानव कान के किस भाग में तीन हड्डी द्वारा दी गई ध्वनि का प्रवर्धन होता है, इनर ईयर, मिडल ईयर, आउटर ईयर या रिटोरिनल। तो मिडल ईयर में क्या होता है, तीन हड्डी द्वारा दी गई ध्वनि का प्रवर्धन होता है, ऑप्शन बी मिडल ईयर। मिडल ईयर मध्य कान। धन्यवाद।